हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं मिशन J50IS का जो है यह सेट जो है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। इसमें सेट को आज हम डिस्कस करेंगे, सेट नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। हमें उम्मीद है कि यह सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको यह पसंद आएगा। अगर आपको यह सेट पसंद आए, अभी तक हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लिंक को दोस्तों के साथ ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय निम्नलिखित में से कौन जो वायस रहा था। तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था कब, तो 28 दिसंबर 1885 को जो है यह स्थापना हुआ था। उस समय जो है लॉर्ड डफरिन था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर लॉर्ड डफरिन था। 19वीं शताब्दी के किस धार्मिक सुधार आंदोलन का राष्ट्रीयता की प्रेरणा प्रदान करने के योगदान नहीं था। तो नहीं था तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट आंसर है, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में सत्य प्रथा उन्मूलन के लिए काम किया था। तो सती प्रथा उन्होंने के लिए सब लोग जानते हैं कि लॉर्ड विलियम बैटी के द्वारा जो है 1829 में जो है राजा राम मोहन राय ने किया था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो 3 का आपका हो जाएगा 20 का राइट आंसर होगा, राजा राम मोहन राय। कांग्रेस के छठे अधिवेशन में अध्यक्षता किसने किया था। तो छठे अधिवेशन की अध्यक्षता जो है यह फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, फिरोज शाह मेहता के द्वारा, ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जगह भारत के सम्मेलन यानी फर्स्ट संपन्न हुआ था। तो कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो यह बम्बई में किया गया था, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर, बम्बई में किया गया था फर्स्ट सम्मेलन कांग्रेस का। भारत में होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो होम रूल आंदोलन का प्रारंभ करता जाना था किसको, तो एनी बेसेंट को, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में होम रूल आंदोलन के जो है आरंभ किसने किया था, एनी बेसेंट ने। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो 7 का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर जो है ई हो जाएगा, यानी कि लाला हरदयाल। यहाँ पे दिया गया कि गदर पार्टी के संस्थापक, तो संस्थापक पूछेगा तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे संस्थापक है तो सोहन सी भाकना हो जाएगा, सोहन सी भाकना ये जो हो जाएगा संस्थापक, तो याद रखिएगा सोहन सी भाकना। और जो है इन स्थाप जो है यहाँ पे लाला हरदयाल जो था गदर पार्टी के संस्थापक नहीं थे, ये जो थे ये लाला हरदयाल जो है 1913 में जो थे इसके सदस्य बने थे, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन जो कब हुआ था, तो आपका इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर जो है 1905 में, 20 का सही हो जाएगा 1905 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का सूत्रपात किसने किया था। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किसने किया था, तो यह लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर लॉर्ड मैकाले के द्वारा। यंग इंडिया का रचयिता कौन है, तो यंग इंडिया एक पुस्तक है जिसके रचयिता कौन है, तो महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो यह किया था राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था। तो सभी लोग जानते हैं कि 1938 का अधिवेशन जो है ये हरिपुरा में हुआ था, ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर, हरिपुरा कहाँ है, तो ये गुजरात में। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, तो बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना। भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना जो है ये 1927 में जो बटलर कमेटी का उद्देश्य था। यहाँ पे 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, तो आपका इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इन प्रयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो है इसमें भारत सरकार जो था
देसी रियासतों के बीच संबंध बनाने के लिए दिया गया था, देसी रियासतों के बीच संबंध बनाने से संबंधित था बटलर आयोग। तो ऑप्शन नंबर जो है 5 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? 3 जून 1942 में जो है आरंभ हुआ था, 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को जो है प्रारंभ किया गया था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी, आने के जो महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था। करो या मरो का नारा या मंत्र किसने दिया था? तो करो या मरो या डू एंड डाई का नारा जो सभी लोग जानते हैं कि यह महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किया था? तो 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो आपका इसका राइट आंसर क्या, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5, क्योंकि जो इसके अध्यक्षता पटेल जी ने किए थे। कौन? सरदार पटेल। तो ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट आंसर होगा, सरदार पटेल जी इसके अध्यक्षता किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो इसका जो मुख्य बहिष्कार का कारण था कि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसमें भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था, इसके कारण बहिष्कार किया गया था। भारत में वैश्य शासन प्रारंभ किया गया था। तो भारत में वैश्य शासन प्रारंभ किया गया था, तो 18 के आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, यानी कि माउंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 से ये जो है भारत में जो है वैश्य शासन प्रारंभ किया गया था। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो मुख्य भूमिका निभाई थी कब? तो बरदोली में, कब? 1928 में बरदोली सत्याग्रह में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5। कर्क रेखा के पास स्थित उष्णकटिबंधीय प्रदेश कौन है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर जो है राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक जो सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर देगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि मेघालय राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो मेघालय राज्य की स्थापना कब किया गया था? तो 22 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1972 में जो है मेघालय राज्य की स्थापना किया गया था। अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो सही उत्तर देगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो है वहाँ से जो है नर्मदा निकलती है, सोन निकलती है और एक और नदी निकलती है जोहिला। ये तीन नदी जो है वो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर 5 होगा, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी झीलें आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन से झील है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो यह हो जाएगा कोलेरू झील। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में है और पुलकर झील जो है यह आंध्र प्रदेश और जो है तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, तो याद रखिएगा। तुंगभद्रा बहुदेशीय परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच संयुक्त उद्यम है। तो तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा जो है एक सहायक नदी किसकी? तो कृष्णा की सहायक नदी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर से निकलती है और गोदावरी नदी जो है यह त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, तो ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से बताना है कि विकल्पों में विचार कीजिए। उपरोक्त में से किस स्थान पर प्रचुर मात्रा में सेल गैस भंडार पाए जाते हैं? तो गंगा के विशालतम मैदान, गुजरात और असम, ये तीनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पगलांडिया बांध परियोजना किस राज्य में है? तो पगलांडिया बांध परियोजना जो है यह आपका स्थित है कहाँ पे? असम में। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए इस पर विचार करते हैं, इसका बताना कि इनमें से जो है कौन सा जो है बताना कि सही क्या है और गलत क्या है इसमें से। तो दिया गया है कि भारत में मोनोजाइट और थोरियम दुर्लभ खनिज तत्वों का प्रमुख स्रोत है। इसका जो है प्रमुख भारत में मोनोजाइट और थोरियम दुर्लभ खनिज तत्वों का प्रमुख स्रोत है, तो यह क्या दिया गया है? तो बिल्कुल सही दिया गया है।
दो कहता है कि दुर्लभ खनिज तत्वों में भारत आत्मनिर्भर है, तो यह गलत है, केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, चलिए विचार करते हैं कि चंबल नदी उपरोक्त में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो चंबल नदी में से किस राज्य से होकर गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यानी कि ए एक दो तीन, एक दो तीन कौन में है, तो इनमें से कोई नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि एक दो तीन इनमें से सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, उपरोक्त में से कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम उष्मा छेपी है, तो उष्मा छेपी आपको बताना है, तो सही उत्तर क्या आ जाएगा, तो बिना बुझे हुए चूने जो है, बिना बुझे हुए चूने बेफ साथ जल के क्रिया से, और जो है एक अम्ल के तनुकरण से, यानी कि एक और दो सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, तो इसके एक। पाचन जो है विफ दौरान उत्पन्न जठर रस के पीएच मान कितना होता है, तो जठर रस का पीएच मान जो होता है ये अम्लीय होता है, तो इसका हो जाएगा सात से कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, सात से कम। निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः आयनिक यौगिकों के विफ द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठोस अवस्था में विद्युत चालकता। साबुन वेफ अणु में होता है, तो साबुन वेफ अणु में क्या होता है, तो 33 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जल रागी शीर्ष तथा जल विरागी पूछ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व होता है, तो सभी कार्बनिक यौगिकों में संबंधित होता है, तो बताना है कि अवयव संबंधित है, तो सही उत्तर जाएगा 34 के ऑप्शन नंबर बी, इसमें 14 समूह से हो जाएगा, समूह कितना, तो समूह 14 जो होता है इसमें जो है एक तत्व है जो सभी कार्बनिक यौगिकों को आवश्यक अवयव संबंधित तत्व है, यानी कि वर्ग नंबर 14 हो जाएगा, आवर्त सारणी का वर्ग 14 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमाशय का स्तर निम्नलिखित में से एक जो है कि कौन से उपस्थिति के विफ कारण सुरक्षित बना रहता है, सही उत्तर चुनिए, तो आपका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सलिस्मा के कारण जो है यह अमाशय का स्तर जो है यह विफ के कारण सुरक्षित बना रहता है। न्यूरॉन में विद्युत संवेपतन रासायनिक संवेपतन में कहाँ जो है बदलता है, तो कहाँ बदलता है, तो 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी, यानी कि एक्सॉन छोर में बदलता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मोडियम में एक कोशिका वेफ अनेक कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो इसकी क्षमता को जो है बहुविभाजन या विखंडन कहा जाता है, बहुविभाजन या विखंडन, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस वेफ द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ उच्च भवन का पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेफोकल उत्तल दर्पण द्वारा, वेफोकल जो है उत्तल दर्पण द्वारा जो है इसका पूरी प्रतिबिंब देखा जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें जो चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है, तो एकल झिल्ली का आवरण जो है यह राजधानी के चारों ओर होता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पावर हाउस ऑफ किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को, और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। मानव शरीर में वसा निम्नलिखित में से भंडारित होता है कहाँ पे, तो मानव शरीर में वसा जो होता है यह वसा उपतक में होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, वसा उपतक में। स्लिप पद अर्थात स्लिप पद अर्थात जो है पलिफ पफील पाँव दिया गया फ्रेंड, असली पद अर्थात पफील पाँव रोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, तो यह जो आपका राइट आंसर होगा 41 को हो जाएगा, ए हो जाएगा, बुखेरिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है किसके द्वारा, तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब तंत्रों को उपार्जा दी जाती है या ली जाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयोजकता वाले तत्व होते हैं, तो संयोजकता वाले तत्व होते हैं, तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धातु और अधातु दोनों होते हैं, धातु और अधातु दोनों। एक संतुलित बजट किसे कहते हैं,
तो एक संतुलित बजट जो है जब व्यय और प्राप्तियां बराबर होता है उसे संतुलित बजट कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजकोषीय एवं बजट घाटे को कैसे कम किया जा सकता है? तो राजकोषीय एवं बजट घाटे को जो कम कैसे कर सकते हैं तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो किया जाएगा तो 45:4 कर राजस्व में वृद्धि के द्वारा, सरकारी व्यय में कटौती के द्वारा और सरकार द्वारा व्यय रोक करके। तो ऑप्शन नंबर जिसका किया जाएगा तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से शामिल है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो है सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो आपका इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर, एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो 47 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 4, यानी के जो है उपयुक्त में से एक से अधिक। उपहार, आयकर, उत्पादन जो है सभी क्या है? प्रत्यक्ष कर है। और प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो अप्रत्यक्ष कर पूछा गया है। तो 48 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। हमारा प्रश्न दिया गया था कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो गलत हो गया था तो इसका हो जाएगा प्रत्यक्ष कर में जो कौन कौन शामिल होता है, तो आपका हो जाएगा आयकर हो जाएगा, आयकर हो जाएगा, उसके बाद संपत्ति कर हो जाएगा, संपत्ति कर हो जाएगा, उसके बाद उपहार कर हो जाएगा, उपहार, उपहार कर हो जाएगा। तो आपका इसमें से जो है उत्पाद कर जो है यह प्रत्यक्ष कर नहीं है, क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। जबकि आयकर और जो उपहार कर जो है, यहाँ पे आयकर और उपहार कर ये सभी क्या है? प्रत्यक्ष कर है। जबकि उत्पादन जो है ये अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर एक से अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। आयकर और उपहार कर क्या है? प्रत्यक्ष कर है। जबकि उत्पादन क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है कि अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल है? तो अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल है? तो अभी हमने देखा कि संपत्ति कर जो क्या है, तो यह जो है प्रत्यक्ष कर है। संपत्ति कर कैसा कर है? तो प्रत्यक्ष कर है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका उत्पादन कर हो जाएगा और जो बिक्री कर हो जाएगा, ये दोनों क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। उत्पादन और बिक्री कर क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। तो ऑप्शन नंबर जो है एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण देखा जाए तो उत्पादन शुल्क हो जाएगा, सीमा शुल्क, बिक्री कर, मनोरंजन कर, स्टाम्प कर और सेवा कर, ये सभी क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। जबकि प्रत्यक्ष कर कौन कौन हो जाएगा? तो आयकर हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगा, संपत्ति कर और उपहार कर। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं? तो उसको आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राजस्व व्यय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, राजस्व व्यय कहा जाता है। प्रत्यक्ष कर है, तो दोस्तों यहाँ पे बताना है कि प्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा, अभी हमने देखा कि आयकर हो जाएगा, उपहार कर हो जाएगा, आयकर, उपहार कर और जो है इसका राइट आंसर होगा आयकर, उपहार कर, ये क्या है? प्रत्यक्ष कर है। जबकि उत्पादन कर क्या है? तो अप्रत्यक्ष, उत्पादन अप्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए और बी सही हो जाएगा, तो एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। केंसियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारण निम्नलिखित में से कौन करता है? तो यह जो है सामूहिक मांग और सामूहिक आपूर्ति के द्वारा किया जाता है, यानी कि एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। केंसियन बजट निवेश जो है दृष्टिकोण के अनुसार आय रोजगार संतुलन निर्धारण निम्नलिखित में से किस बिंदु पर होगा? तो यह होता है किस बिंदु पर? तो ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा, आई बराबर एस होता है, आई बराबर एस। आय एवं उत्पादन के संतुलन स्तर पर सामूहिक मांग में वृद्धि होने पर निम्नलिखित में से किस में वृद्धि होती है? तो यह वृद्धि किस में हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 53 का आपका ऑप्शन नंबर एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। केन्स के रोजगार के सिद्धांत, केन्स के रोजगार का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है? तो केन्स के रोजगार का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है? तो दोस्तों यह जगह प्रभावपूर्ण मांग पर, प्रभावपूर्ण मांग पर इसका
हो जाएगा आपूर्ति उत्पादन क्षमता, तो आपका इसका 54 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रभावपूर्ण मांग पर। केन्स के सिद्धांत का संबंध है, तो केन्स के सिद्धांत का संबंध बताया जा रहा है, तो प्रभावपूर्ण मांग की वृद्धि अभी देखें, उपभोक्ता वृद्धि से भी, बजट वृद्धि से भी, तो 55 का आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ए बी सी 3 हो जाएगा, तो एक से अधिक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन जो है अप्रत्यक्ष कर है, तो अप्रत्यक्ष कर अभी हमने देखा जो है कि उत्पादन शुल्क क्या हो जाएगा, उत्पादन शुल्क जो है अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा, फिर जो हो जाएगा आपका कि सीमा शुल्क हो जाएगा और बिक्री कर, ये सभी क्या है अप्रत्यक्ष कर है, उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क और जो है बिक्री कर किया अप्रत्यक्ष कर, और प्रत्यक्ष कर याद रखिएगा आयकर, संपत्ति और उपहार कर, ये सभी क्या है प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि निम्न में से किस संधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली स्थापित किया था, तो केंद्र में पूछा जा रहा है, प्रांतों में नहीं, केंद्र में जो है ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लगाया गया था, 57 का आपका राइट ए हो जाएगा, और केंद्र में लगाया गया था कब, तो 1919 के जो है अधिनियम में लगाया गया था केंद्र में, सॉरी प्रांतों में जो है 1919 में लगाया गया था और हटाया गया था 1935 के अधिनियम में, और हटा करके जो है केंद्र में लगाया गया था। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार कब किया था, तो इसका पहला प्रयास जो 1935 में किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी, तो प्रांतीय स्वायत्तता हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1935 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो यह भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत जो है, जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय भारत के सचिव का पद जो है निर्मित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर जाएगा। प्रश्न नंबर 61 दिया गया है कि भारतीय संविधान सभा में विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन ये किसके द्वारा किया गया था, तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी एम एन राय के द्वारा यह किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है किससे, तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो है लोक गणराज, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर जाएगा। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है, तो भारतीय संविधान का अभिभावक पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी, भारतीय संविधान का अभिभावक जो है सर्वोच्च न्यायालय होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो सभी लोग जानते हैं कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए 8 अनुसूचियाँ थी। 9वीं अनुसूची जो है भूमि अधिग्रहण कब जोड़ा गया था, तो यह जो पहला संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची जो है यह 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 में जोड़ा गया था, कब, 1985 में। दसवां जो है 52वां संविधान संशोधन के तहत, और जो है 11वां कब जोड़ा गया था, तो 11वां जो है 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है यह पंचायती को जोड़ा गया था 1992 में, और 12वें जो है अनुसूची को जोड़ा गया था, कब, तो यह जोड़ा गया था 1993 में जोड़ा गया था, ये 74वें संविधान संशोधन के तहत, ये चारों जो है बाद में जोड़ा गया था। अभी वर्तमान में जो है मूल संविधान में कितनी अनुसूची है, तो 12 अनुसूची है। भारत के महान वादक की नियुक्ति किसके संबंध में अनुच्छेद जो है बताना है, कि भारत के महान वादक की नियुक्ति के संबंध में कौन सा अनुच्छेद है, तो आपका इसका सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 76 इसका राइट आंसर, महान वादक से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, तो उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 63 में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर देगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने किन खेलों में अपना पहला पदक जीता था, तो पहला पदक जीता था तो हो जाएगा लॉन बॉल में, किस में, लॉन बॉल हो जाएगा, लॉन बॉल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर
पांच हो जाएगा लॉन बॉल। ये भारतीयों ने जीता था। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस संस्था ने वित्तीय सेवाओं को आउटसोर्सिंग में संलग्न विनियमित संस्थाओं आर को निर्देशित की जाती है। तो किस संस्था ने जो है वित्तीय सेवाओं के आउटसोर्सिंग में संलग्न विनियमित संस्थाओं को निर्देशित जारी किया है। तो यह जारी किया ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यह जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया गया है। चिनाव रेलवे ब्रिज के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में किया गया है। तो सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर सी, यह जो जम्मू कश्मीर में चिनाव पर किया गया है। किस देश ने विश्व शक्ति के साथ अपने परमाणु समझौते को बहाल करने के लिए अपना अंतिम रोड मैप प्रस्तुत किया है। तो सतर्क हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान ने प्रस्तुत किया, ईरान ने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP की घोषणा किस वर्ष किया गया था। इसकी घोषणा जो किया गया था ऑप्शन नंबर सी 2020 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP की घोषणा 2020 में किया गया था। किस राज्य ने राज्य सरकार के स्वामित्व वाली देश की पहली ऑनलाइन टैक्सी सेवा शुरू किया गया। तो यह टैक्सी सेवा शुरू किया गया कब, तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर चार, केरल में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि किस देश ने यूक्रेन को 775 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता पैकेज की घोषणा किया है। तो यह घोषणा किया किसने, तो सी इसका राइट आंसर USA ने, ऑप्शन नंबर जो है USA ने की, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। किस वित्तीय सेवा कंपनी ने चार भारतीय बैडमिंटन सितारों को अपना राजदूत नियुक्त किया है। तो यह राजदूत नियुक्त किया है मास्टर कार्ड को, ऑप्शन नंबर जो बीस का राइट आंसर मास्टर कार्ड। किस देश ने ताइवान के साथ औपचारिक व्यापार वार्ता शुरू करने की घोषणा किया है। तो यह घोषणा किया है USA ने, ऑप्शन नंबर बीस का राइट आंसर होगा USA यानी कि अमेरिका ने। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन स्थल कहाँ है। तो इसका आयोजन स्थल है कहाँ पे, तीन दौर हो जाएगा मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व मच्छर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं। तो विश्व मच्छर दिवस प्रतिवर्ष जो है यह कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा 20 अगस्त को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में आयुष्मान भारत PMJAY के तहत लाभार्थियों को किस श्रेणी में जोड़ा गया है। तो लाभार्थियों को जो है ट्रांसजेंडर व्यक्ति में जोड़ा गया, ऑप्शन नंबर बीस का राइट आंसर ट्रांसजेंडर व्यक्ति में। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पहली एजुकेशन टाउनशिप बनाने की तैयार किया है। तो यह बनाने की तैयार किया उत्तर प्रदेश सरकार ने, ऑप्शन नंबर बीस का सही उत्तर जाएगा। किस संघ ने ईरान और पश्चिमी देशों के बीच 2015 के परमाणु समझौते को बहाल करने के लिए एक समझौते का प्रस्ताव रखा है। तो यह प्रस्ताव रखा है तो अमेरिका ने रखा था, कहाँ, अमेरिका ने। तो ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। किस राज्य ने अपने जो है फुटवेयर और चमड़ा उत्पादन नीति 2022 लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया गया तमिलनाडु सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर बीस का सही उत्तर जाएगा। हाल ही में आंकड़ों के अनुसार खाद्यान्न उत्पादों के मामले में कौन सा राज्य देश में शीर्ष पर रहा है। तो देश में शीर्ष पर रहा है, तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब और उत्तर प्रदेश रहा है। एक निश्चित कूट भाषा में, यहाँ से फ्रेंड्स जो है आपका जो है मैथ रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। यहाँ पे जो आपका इसमें जो जितने प्रश्न थे आपका यहाँ पे समाप्त हो गया। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कहीं पे आपको क्वेश्चन में कोई डाउट पूछाता है, त्रुटि दिखाता है, तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। हम आपको जो उस क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन करके आपको कमेंट में बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। जय हिंद।